देखिए, सुई में हम थ्रेड को डालेंगे और ये जो इस तरह के बीड्स हैं, ये इस तरह हम सुई की हेल्प से धागे में पिरोएंगे। इस तरह आप लगभग 150 से 55 जो ये मोतियाँ हैं, इस तरह से अपने थ्रेड में डाल लीजिए। देखिए, इस तरह से हमने 150 से 55 मोतियाँ अपने थ्रेड में पिरो ली हैं, डाल ली हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ चेन बनाई। जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक रिंग बन गई छोटी सी। अब देखिए, इसके बाद हम तीन चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन, ये तीन चेन एक डबल क्रोशिया काउंट होगी और इस रिंग के अंदर एक डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिया, तीन चेन एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच, छह डबल क्रोशिया। इस तरह से हम टोटल 21 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने 21 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो स्टार्टिंग में थ्री चेन थी उसमें से थर्ड वाली चेन जो सबसे ऊपर है, क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। इस तरह सिंगल क्रोशियो बनाए, फिर 1 2 और ये तीन चेन बनाएंगे। थ्री चेन बनाई। अब देखिए, हम 14 जो मोती हैं वो पास ले आए, उसमें से 14 में से दो मोती हम लेके आएंगे और इसको ऐसे टाई कर लेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, इस तरह से टाई करेंगे, फिर 1 2 और ये तीन चेन बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन दो चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर इस तरह से बना, देखिए, फिर 1 2 और ये तीन चेन बनाई, फिर से दो मोती पास लेके आएंगे, टाई करेंगे इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से, बांध लेंगे, इस तरह जोड़ लेंगे। अब फिर से थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3 तीन चेन बनाई। अब यहाँ से एक और ये दो चेन स्किप करी, तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया, तो इस तरह से लूप बनेंगे, फिर 1 2 और ये तीन चेन बनाएंगे और फिर दो मोती लेके आएंगे इस तरह और इनको स्लिप स्टिच की हेल्प से बांध लेंगे, जोड़ लेंगे। अब थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 और ये तीन चेन बनाएंगे। अब यहाँ से एक दो चेन स्किप करी, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे करेंगे, थ्री चेन बनाएंगे, 2 3 तो इस तरह से ये राउंड अपना बनाते जाएंगे, ये लूप बनते जाएंगे ऐसे। देखिए, इस तरह से हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 7 लूप बनेंगे। अब जो स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशे बनाया था, ये इसमें क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। देखिए, 7 लूप बने हमारे। अब यहाँ से हम देखिए इस जगह से थ्री चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाई, अब ये दो मोतियों के बीच में, दो बीड्स के बीच में जो जगह है, क्रोशे को डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक ऐसे, देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे, 8। अब ये दो मोतियों के बीच में जो जगह है इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे और इनके बीच में ये जो दो मोतियाँ हैं इनको बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा ढीला टाई ना करें, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला टाई नहीं करना। फिर 8 चेन बनाएंगे और जो ये दो मोतियाँ हैं उनके बीच में सिंगल क्रोशे करेंगे, तो इस तरह से ये लूप बनाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से बना, 8 चेन बनाई। अब लास्ट में जो ये दो, जो दो मोती के ऊपर सिंगल क्रोशे किया था, जो चेन है इस वाली जगह पे हम क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह। अभी जो लूप है 8 8 चेन वाला, देखिए, इसमें क्रोशे को डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और ये 11, 11 सिंगल क्रोशे करेंगे हम लूप में। देखिए 8 चेन वाला जो लूप है, अब नेक्स्ट वाले लूप में क्रोशे को डालेंगे जो 8 चेन वाला जो लूप है, सिंगल क्रोशे करेंगे। इसमें भी 11 करेंगे, 1 2 3, इस तरह से हम सभी लूप्स में 11 11 सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। 11 किए सिंगल क्रोशे, अब देखिए नेक्स्ट लूप में क्रोशे को डालेंगे ऐसे, यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसमें भी 11, सभी में इस तरह से 11 11 सिंगल क्रोशे करते जाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे बना लिए सब में। अभी जो फर्स्ट वाली, अब लास्ट में देखिए जो फर्स्ट वाली जो चेन है, क्रोशे को डालेंगे इसमें और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ऐसे बना हमारा पैटर्न। अब देखिए 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन भी डबल क्रोशे काउंट होगी। नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशे। जो हमने ये सिंगल क्रोशे बनाया उसके ऊपर जो चेन है उसमें डबल क्रोशे बनाते जाने, 3 डबल क्रोशे, 1 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली चेन में 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशे, 11 11 डबल क्रोशे, और नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे 12 12 डबल क्रोशे बनाए हमने। देखिए 12 डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 और ये 3 चेन बन, 3 चेन बनाई और ये जो 2 मोतियाँ पास लेके आए। अब इसके बाद देखिए ऐसे इसको टाई करेंगे, थोड़ा टाइट, ढीला नहीं रखेंगे, टाइट करेंगे हम इसे, स्लिप स्टिच से जोड़ा। अब 3 चेन और बनाएंगे सेम जैसे हमने पहले किया था, 3 चेन बनाई। अब देखिए 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से 1 और 2 चेन स्किप करी, 1 और 2 चेन स्किप करी, थर्ड वाली चेन में फिर से डबल क्रोशे। अब ये लगातार हम 12 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे इन सब में, तो ये ऐसे बनेगा। देखिए इस तरह से हमें 12 चेन में 12 डबल क्रोशे करे। अब 3 इस तरह 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, अब ये 2 मोतियाँ अटैच करेंगे, पास लाएंगे और इसे ऐसे टाई कर लेंगे, थोड़ा टाइट। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए धागा लपेटा, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशे बनाएंगे और अपनी जो ये मोती हैं इनको अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे और यहाँ से 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाली में डबल क्रोशे बनाते जाएंगे ऐसे। ये जो हमारा पैटर्न है इसमें हमने 3 चेन स्किप करी, फोर्थ वाली में हम डबल क्रोशे बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 की जगह कहीं कहीं पर 4 चेनें भी स्किप करेंगे। तो उससे अगर कहीं पर कम ज़्यादा होगा तो 3 की जगह 4 चेन भी स्किप कर सकते हैं। हमें लगभग 2 या 3 में 4 चेनें स्किप करनी होंगी तो हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा। इससे 2 या 3 जगह पे वो आप देख लीजिएगा आपका कहाँ पे कम ज़्यादा होता है, क्योंकि कई जगह हमारा कम ज़्यादा हो ही जाता है। तो 3 की जगह 2 जगह पे या 3 जगह पे आप 4 चेनें स्किप कीजिए। देखिए इस तरह से 3 चेन बनाई। अब ये फर्स्ट सेकेंड जो थर्ड वाली चेन है उसमें क्रोशियों को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। देखिए तो इस राउंड में हमने कहीं पर तो 3 चेन स्किप करी और कहीं पे 4। तो आप ऐसे करिए, फर्स्ट 1 में 3 चेन स्किप करी, फोर्थ वाले में बनाया, 1 में 4 चेन स्किप करी, फोर्थ वाले में बनाए 3, फोर्थ वाले में 4, फोर्थ वाले में, इस तरह से 2-3 जगह पे स्किप हो जाएंगे 3 और 4, तो हमारा पैटर्न बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगा। तो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाली चेन में 3, अगली में 4, उससे अगली में 5,
सात आठ नौ और ये दस, दस डबल क्रोशे बनाएंगे हम। 12 डबल क्रोशे के ऊपर 10 बनाएंगे, फर्स्ट नहीं बनाएंगे डबल क्रोशे और लास्ट में भी नहीं बनाएंगे। तो इस तरफ से हमारे 10 डबल क्रोशे बनेंगे, फर्स्ट और लास्ट में नहीं बनाएंगे डबल क्रोशे, स्किप करेंगे। अब देखिए थ्री चेन बनाएंगे, यहाँ से मोती अटैच करेंगे। थ्री चेन बनाने के बाद दो मोती लेंगे, अब इसको अटैच करेंगे, टाई करेंगे, इसे बांधेंगे थोड़ा टाइट, ढीला नहीं छोड़ना आपको इसे। फिर थ्री चेन बनानी है, एक दो तीन चेन बनाई। अब देखिए ये जो मोती हैं, ये देखिए ऐसे, इनके ये जो बीच में दोनों मोतियों के बीच में ऐसे क्रोशे को डाल के सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर थ्री चेन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए अटैच हुई हमारी, थ्री चेन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे दो मोती और अटैच करेंगे, दो मोतियाँ और लगाएंगे सेम पैटर्न से, इसको टाई करेंगे, फिर थ्री चेन बनाएंगे। थ्री चेन बनाई, अब देखिए हम यहाँ से फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उसमें देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, एक दो 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट में नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पहले 12 थे, तो अब इसके ऊपर 10 बनेंगे, फर्स्ट और लास्ट नहीं बनाएंगे। तो हमारी जो ये थ्रेड मोती अटैच होगी इस पैटर्न में होगी, एक यहाँ पे हो गई, ये दो इसके ये बीच में और ये दो ऐसे बन गई, तो ये बनाएंगे। देखिए 10 डबल क्रोशे बनाए 10, अब थ्री चेन बनाएंगे, थ्री चेन बनाएंगे, दो मोतियों को अटैच करेंगे इस तरह। अब थ्री चेन और बनाएंगे, और थ्री चेन और बनाने के बाद देखिए ये जो ये दो मोतियाँ इनके बीच में हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर थ्री चेन बनाएंगे, अब दो मोतियाँ और अटैच करेंगे यहाँ पे इस तरह। अब फिर चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाई। अब देखिए थ्री चेन बनाने के बाद एक चेन स्किप करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट वाली डबल क्रोशे के ऊपर जो चेन है 10 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए अब हम इसे रिपीट करते जाएंगे, ये देखिए ऐसे बनेगा हमारा। देखिए इस तरह से थ्री चेन बनाई, और जो ये हमने स्टार्टिंग में तीन चेन बनाई थी उसमें से थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे, देखिए ऐसे। और अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से थ्री चेन बनाएंगे, दो और ये थ्री चेन बनाएंगे, थ्री चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगी। नेक्स्ट वाले देखिए, अब नेक्स्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट स्किप करनी है और बाकी सब में डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इसमें 8 डबल क्रोशे बनेंगे, जैसे हमने लास्ट वाली रो में किया था सेम उस तरह, उसमें 10 बने थे, फर्स्ट और लास्ट स्किप किया था 12 थे, तो इसमें 8 बनाएंगे। देखिए इस तरह से 8 डबल क्रोशे बनाए हमने। अब इसके बाद एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे, ऐसे बनेगी थ्री चेन्स। अब देखिए दो मोती पास करेंगे इस तरह। अब और इसको टाई करेंगे टाइटली। अब यहाँ से थ्री चेन बनाएंगे, और अब देखिए ये जो मोती हैं इनके बीच में डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशे से जोड़ा। फिर थ्री चेन बनाएंगे और तीन चेन बनाएंगे, दो मोती और ऐड करेंगे, फिर
थ्री चेन बनाएंगे। और देखिए थ्री चेन बनाने के बाद ये इसके बीच में जो नेक्स्ट हमारा मोती है इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए जब हम मोती ज्वाइन करेंगे तो हम ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे घूम भी जाए तो हम इसे सीधा कर लेंगे स्ट्रेट। ये देखिए इस तरह से, ऐसे ना हो ऐसे हो। अब देखिए इसके बाद फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे। इस राउंड में हम तीन पेयर मोती के जोड़ेंगे, फिर दो मोती लिए और एक दो तीन चेन बनाएंगे। अब यहाँ से स्किप करेंगे एक डबल क्रोशे, धागा लपेटेंगे पहले तो, और नेक्स्ट वाले में इस राउंड में हम एट डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह देखिए नेक्स्ट में भी फर्स्ट और लास्ट को स्किप करेंगे तो ये हमारे दो दो कम होते जाएंगे एट। पहले में 12 थे, 10 फिर 8 होंगे ना इस तरह से। देखिए अब हमारे ये देखिए पहले एक ये दो, अब यहाँ पे हमने तीन, इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे अपना पैटर्न बनाते जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये देखिए पैटर्न बना। अब नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। सिर्फ बहुत ही सिंपल राउंड है, पैटर्न है ये। अब देखिए नेक्स्ट में स्लिप स्टिच किया तो अब थ्री चेन बनाएंगे। अब फर्स्ट और लास्ट के हमने स्किप करी है तो चेन, तो देखिए इस राउंड में हमारे पास दो तीन डबल क्रोशे, चार पाँच और ये छः, दो दो हम घटाते जा रहे हैं डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो छः बचे। देखिए इस तरह से ये शेप बनेगी हमारी। तो अब थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री चेन बनाएंगे। अब अपनी दो जो पल हैं वो ऐड करेंगे। देखिए स्लिप स्टिच से फिर थ्री चेन, बहुत सिंपल है। थ्री चेन फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट वाली मोती के ऊपर सिंगल क्रोशे, फिर थ्री चेन और नेक्स्ट वाले थ्री चेन के बाद देखिए हम दो मोती और ऐड करेंगे इस तरह। फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे मोती के ऊपर, फिर थ्री चेन, फिर दो मोती ऐड करेंगे। तीन चेन बनाएंगे, देखिए इस तरह। अब जो ये नेक्स्ट है देखिए घूम जाती है तो आप इसको स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से और इसके ऊपर सिंगल क्रोशे सीधा कर लीजिए इसे मोती को ऐसे, और फिर थ्री चेन बनाएं। थ्री चेन बनाई, फिर ये दो मोती ऐड किए ऐसे जोड़ा, फिर थ्री चेन बनाई, एक दो तीन चेन बनाई। अब ये फर्स्ट स्किप किया, सेकेंड वाली में डबल क्रोशे किया इस तरह। तो यहाँ पे हम फर्स्ट और लास्ट स्किप करेंगे तो छह डबल क्रोशे बनेंगे इस राउंड में। अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास एक पेयर मोती का है, सेकेंड में एक और दो पेयर हैं, थर्ड में एक दो तीन पेयर हैं, फोर्थ में हम देखिए एक दो तीन और ये चार पेयर हैं, चार पेयर मोती के हैं। तो इस तरह से ये अपना राउंड बनाते जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट स्किप करेंगे और सिक्स डबल क्रोशे बनेंगे। तो इस तरह से अटैच करते जाएंगे। देखिए जब भी आप ये मोती ऐड करते हैं, जैसे इस रो में जब हम ये पोर्शन बना रहे हैं इसमें हमें टोटल एट मोती लगेंगे, तो आप ये एट मोती पहले से अलग कर लीजिए ताकि आपको दूर से लाने ना पड़े, ईजिली आप ऐड कर पाएँ। अब देखिए अब लास्ट में थर्ड वाली चेन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फर्स्ट वाली स्किप करेंगे। देखिए डिक्रीज होता जाता है हमारा, पत्ते की शेप में आ गया एक फर्स्ट और एक लास्ट का। अब नेक्स्ट में थ्री चेन बनाएंगे, घटता जाता है। उसके नेक्स्ट में भी
डबल क्रोशे, हमारे पास लास्ट राउंड में 6 डबल क्रोशे थे तो इस राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशे होंगे, 3 और ये 4, लास्ट वाला नहीं बनाएंगे, स्किप करेंगे, तो ये घटते हुए बनेगा। अब 3 चेन बनाएंगे और अपनी जो पहले से अपनी बीड्स ले आइए, इस राउंड में हमें 10 बीड्स लगेंगी, सॉरी इस वाले पार्ट में 10 बीड्स लगेंगी, तो 10 ले आइए, ऐसे 3 चेन बनाई। अब देखिए ये फर्स्ट वाली जो है ये यहाँ पर स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशे करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये ऐड करते जाएंगे, तो करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे मोतियाँ अटैच करी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेयर मोतियों के। अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास 1 पेयर, सेकंड में 2, थर्ड में 3, यहाँ पे 1 2 3 4, फिर ये यहाँ पे लास्ट इस वाले राउंड में 1 2 3 4 5 5 पेयर मोतियों के। अब फर्स्ट और लास्ट डबल क्रोशे स्किप करेंगे तो 4 डबल क्रोशे बनेंगे यहाँ पे जैसे बने हैं, तो ऐसे फिर इसके ऊपर 5 पेयर मोतियों के अटैच करेंगे 4 के ऊपर, तो जहाँ पे ये जो मोतियों के ऊपर सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन बना के तो इस तरह से अटैच करते जाएंगे। देखिए अब लास्ट में थर्ड वाली चेन में क्रोशियों को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशियों को डाला और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशे, और इससे नेक्स्ट वाली में भी 1 डबल क्रोशे, तो ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट स्किप करा और लास्ट स्किप करा तो ये 2 हो गए, जैसे हम यहाँ से स्किप करते जाते हैं फर्स्ट और लास्ट। अब देखिए 3 चेन बनाई, 1 2 3 चेन बनाई, अब ये 2 पर लिए हमने मोती और इनको जोड़ा, टाई कर लिया, 3 चेन बनाई। अब नेक्स्ट इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, तो इस तरह से ये राउंड भी बनाते जाएंगे हम। इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए फर्स्ट में 1 पेयर, सेकंड में 2, थर्ड में 3 पेयर, उसके बाद 4 पेयर, 1 2 3 4, उसके बाद 5 पेयर, 1 2 3 4 5, उसके बाद हमारे इस वाले लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 6 पेयर, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, फर्स्ट और लास्ट को स्किप करेंगे, तो इस तरह से ये बनाते जाएंगे। देखिए बनता जाएगा हमारा पैटर्न, देखिए इस तरह से ये पैटर्न बना। अब लास्ट में ये 3 चेन है, उसमें से थर्ड वाली जो सबसे ऊपर है स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इसको। अब देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ा, अब यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पे हमारे 6 लास्ट वाले राउंड में 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 पेयर बने मोती के। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे, 7, और ये इसमें जो ये 2 मोतियों के बीच में जो हमारा थ्रेड है सिंगल क्रोशे, फिर 7 चेन, 4 5 6 7, 7 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट मोती के ऊपर सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हम देखिए 7-7 चेन का जो लूप है वो बनाते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे मोतियों में सिंगल क्रोशे के से, 4 5 6 7। तो अब ये नेक्स्ट सिंगल क्रोशे से अटैच करेंगे, तो ये इस तरह से हम ये पूरी रो बनाएंगे, ये बना देखिए 7 चेन इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हमने 7-7 चेन्स के लूप बनाए, ये देखिए ऐसे बने ये। अब जो है लास्ट में देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाने के बाद एक और बना लेते हैं 4। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में क्रोशियों को डालेंगे जो स्टार्टिंग में ये वाली स्टार्टिंग वाली में, और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो इस तरह से ये लूप बन गया। अब देखिए हम इसी में ये जो ये लूप है
इसमें क्रोशे को डालेंगे, एक दो तीन, ये अब हमारे पास यहाँ पे टोटल चार चेन हैं, तीन हमने ये वाली है तीन और यहाँ पे चार हैं, तो हाँ यहाँ पे हमने देखिए तीन सिंगल क्रोशे, चार और चार सिंगल क्रोशे बना लिए चार चेनों में, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली जो लूप है इन सभी में देखिए सेवन सेवन सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन, चाहे तो आप यहाँ से थ्रेड भी चेंज कर सकते हैं दूसरे कलर की, दो कलर में बना सकते हैं, चार पाँच छ और ये सात, सात सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हर लूप में सेवन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हमने फर्स्ट में फोर इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे हमने फोर चेन ली थी, क्योंकि यहाँ से हमने थ्री चैनल के साथ स्लिप स्टिच कर दिया था, इसलिए ये दो लूप छोटे हैं हमारे, यहाँ पे भी फोर चैन है तो यहाँ पे भी फोर या थ्री या फोर सिंगल क्रोशे लेंगे। तो बनाते हैं सेवन सेवन सिंगल क्रोशे इन सभी में। देखिए इस तरह से हमने सभी में सिंगल क्रोशे बना लिए। अब देखिए जो ये फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर जो चेन है स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद एक चेन हम बना लेंगे यहाँ पे और यहाँ से अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। तो अपनी थ्रेड को कट करेंगे, देखिए हम अगर आप चाहें तो डिफरेंट भी यहाँ इस वाली सिंगल क्रोशे से आप डिफरेंट कलर की थ्रेड जोड़ सकते हैं, हमने कट इसलिए किए हैं। अब हम यहाँ से मोती ऐड करेंगे क्योंकि यह काफ़ी सारी मोती को हैंडल करना मुश्किल होता है बुनाई के समय, तो हम यहाँ से दूसरा पार्ट मोती का डालेंगे अपनी थ्रेड में। इस तरह से हमने अपनी थ्रेड में मोतियाँ पिरोली। देखिए अगर आप ज़्यादा मोतियाँ हैंडल नहीं कर सकते, आप पहली बार बना रहे हैं या बिगनर हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी मोतियाँ करके डालें और आप दोबारा से पिरो सकते हैं। जहाँ से हमने देखो थ्रेड कट किया था वहीं से, उधर ही से या फिर उसके नेक्स्ट चेन से कहीं से भी। देखिए सबसे पहले थ्रेड में एक स्लिप नॉट, थ्रेड अटैच करने का तरीका स्लिप नॉट बनाएं और अपने पैटर्न को पकड़ेंगे। देखिए ये जो चेन में क्रोशे को डालेंगे और ये स्लिप नॉट को डालेंगे। अब देखिए इसको ऐसे एक चेन बनाते हुए अटैच कर लेंगे, तो इस तरह से बन गया ये। अब हम ये देखिए एक, ये दो, ये तीन चेन हो गई, तीन चेन एक डबल क्रोशे काउंट हो गई। ये जो थ्रेड है इसको साथ साथ बुन लेंगे ताकि हाइट हो जाए, दिखे ना। नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे करेंगे, दो डबल क्रोशे, इस तरह से तीन डबल क्रोशे। ये जो ये वाली थ्रेड है इसको भी क्रोशे हो गया, सुई की हेल्प से हाइड कर लेंगे लूप्स में डाल के, तीन डबल क्रोशे, चार डबल क्रोशे, इस तरह से हम टोटल 12 डबल क्रोशे बनाते हैं। ये जो सिंगल क्रोशे हमने बनाए हुए हैं इसके ऊपर जो चेन है उसमें 12 डबल क्रोशे बनाए, फिर ये भी तीन चेन बनाएंगे यहाँ पे। अब देखिए पहले की तरह जैसे हमने स्टार्टिंग में ये मोती ज्वाइन किए उस तरह से हम ज्वाइन करेंगे, दो मोती ली तीन चेन बना के, अब इसको टाई करेंगे स्लिप स्टिच से, राइट, फिर थ्री चेन बनाएंगे तीन। देखिए ये पर्ल अटैच के थ्री चेन बनाई। अब यहाँ से एक, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः चेन स्किप करेंगे और सेवन्थ वाली चेन में क्रोशे को डाल के डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह, और फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, फिर मोती अटैच करेंगे। आप छः या सात चेन स्किप करके बना सकते हैं, कहीं कम ज़्यादा हो जाए तो इस तरह से बनाते जाएंगे। ये राउंड भी बहुत इजी है। देखिए इस तरह से बना हमारा। अब ये मोती अटैच करी, तीन चेन बनाई और फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में क्रोशियों को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा पैटर्न ऐसे बना। देखिए अब हम नेक्स्ट वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। अब तीन चेन बनाएंगे यहाँ पे, तीन चेन बनाए, एक डबल क्रोशे होगा। अब फर्स्ट वाली चेन स्किप करी, फर्स्ट वाली डबल क्रोशे स्किप करी, सेकेंड लास्ट वाली स्किप करेंगे, तो ये बीच में 10 डबल क्रोशे हैं। इस वाली लाइन में हमारे पास 12 डबल क्रोशे हैं, तो नेक्स्ट वाली हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 10 डबल क्रोशे बनाए। अब थ्री चेन,
और ये दो मोती ऐड करेंगे, एक और ये दो, और ये तीन चेन बनाएंगे। अब देखिए ये सेम हमारा जो हमने ये वाला राउंड बनाया है ना, इसी की तरह रिपीट होगा। फर्स्ट राउंड में हमने एक पेयर मोती का लगाया, अब यहाँ पे ये दो, अब देखिए दो पेयर, एक पेयर यहाँ पे लगा, अब इसके बीच में ऐसे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर थ्री चेन बनाएंगे, दो मोती और ऐड करेंगे इस तरह, टाई करेंगे मोती को, मोतियों को, अब थ्री चेन बनाएंगे। अब देखिए थ्री चेन बनाने के बाद अब धागा लपेटा, फर्स्ट वाली स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, और ये देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशे बनाएंगे 10। एक फर्स्ट वाली स्किप करेंगे और एक लास्ट वाली डबल क्रोशे स्किप करेंगे, और 10 के ऊपर 10 बनाएंगे। फर्स्ट में 12 थी, इसमें 10 होंगी। देखिए हमने फर्स्ट और लास्ट में नहीं बनाया, बाकी 10 के ऊपर 10 बनाया, तो इस राउंड में हमने दो मोती ऐड करी। तो इस तरह से ये बनाते जाना, सेम इसकी तरह देखिए, इसी तरह से घटाते जाना। देखिए फिर नेक्स्ट वाले राउंड में 8 डबल क्रोशे बनेंगे, एक स्किप करेंगे, तो इस तरह से बनाएंगे। ये वाला राउंड इस तरह बनाते हैं, दो मोतियों वाला। देखिए इस तरह से हमने ये सभी में दो दो पेयर ये मोती के लगा लिए। अब ये देखिए, अब लास्ट में ये देखिए तीन चेन बनाए, दो मोती ऐड किए। अब ये जो थ्री चेन थी उसमें से थर्ड वाली चेन में सबसे ऊपर जो होती है स्लिप स्टिच किया। अब देखिए नेक्स्ट वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह, एक स्किप करें और यहाँ से भी स्किप करेंगे। देखिए पहले 12 थी, अब 10, इस टाइम हमारे पास तीन चेन बनाएंगे 8 होंगी। फर्स्ट और लास्ट चेन स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे उसमें, तो बनाते हैं इसमें। देखिए हमारे पास 8 डबल क्रोशिया बना, फर्स्ट और लास्ट में नहीं बनाया। अब थ्री चेन बनाएंगे, अब सिंपल मोती ऐड करेंगे हम, दो तीन चेन बनाई। अब देखिए तीन चेन बनाई, अब यहाँ पे हमारे पास दो लाइनें थी, दो फर्स्ट में एक और इसमें दो पेयर हैं। अब इस वाले में हमारे पास थ्री पेयर होंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, थ्री पेयर हम मोती के ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये वाली रो इस तरह से बनेगी, थ्री चेन मोती ऐड करी, अब ये जो ये है इसके ऊपर, मोती के ऊपर जो लूप है इस पर क्रोशे को डालेंगे इस तरह। ये दो पेयर हो गए, अब तीसरा पेयर ऐड करेंगे, एक दो तीन चेन बनाएंगे। अब ये देखिए तीन पेयर ऐड हुए हमारे पास, अब तीन चेन बनाए, अब लूप लिया, फर्स्ट वाली स्किप करेंगे, सेकंड वाली में चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, तो फर्स्ट और लास्ट स्किप करेंगे। तो इस तरह से हम ये राउंड बनाते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, जैसे ये थे कम होते जाएंगे ऊपर जाते हुए, हमारी पत्ती की शेप, लीफ की शेप आएगी यहाँ पे, ये ऐसे बना। और लास्ट में थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, और नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट चेन स्किप करी हमने, स्लिप स्टिच कर लिया यहाँ पे, तो थ्री चेन बनाएंगे और डबल क्रोशे, थ्री चेन भी एक डबल क्रोशे, दो तीन चार पाँच छः, छः डबल क्रोशे हमने यहाँ पे बनाए। फर्स्ट और लास्ट में नहीं बनाएंगे, स्किप करेंगे, लास्ट वाली में 8 थे, अब यहाँ पे 6 हैं। तो अब ऐसे बीड्स लगाते जाएंगे, बीड्स देखिए मोतियाँ, फर्स्ट राउंड में एक पेयर दो मोतियाँ, सेकंड राउंड में दो पेयर चार मोतियाँ, इसमें तीन पेयर। अब इस वाले राउंड में हमारे पास चार पेयर होंगे, जैसे इसमें थे ना, एक दो तीन और ये एक दो तीन चार, चार पेयर। तो इस राउंड को भी हम ऐसे ही बनाएंगे, चार पेयर और यहाँ पर छः छः डबल क्रोशे बनेंगे। तो बनाते हैं अब लास्ट में, यहाँ पर थर्ड चेन फर्स्ट चेन में जो
क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, एक ये स्किप किया और एक ये लास्ट वाला फर्स्ट लास्ट थ्री चेन बनाएंगे, सेम जैसे हम बनाते आए हैं, सेम इसी की ये वाला जो पोर्शन है ना सेम यही रिपीट करना है हमें, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, यही सेम यही पोर्शन रिपीट करना है। अब देखिए, दो तीन और ये चार, चार डबल क्रोशे बने, लास्ट का स्किप करना और फर्स्ट का फिर थ्री चेन। अब मोती अटैच करेंगे, दो मोती लेंगे, अब एक दो तीन इस तरह, फिर ये वाले लूप में दो मोतियों के बीच में सिंगल क्रोशे, फिर थ्री चेन, एक दो तीन, तो इस तरह से हमें अटैच करते जाना है। देखिए इस तरह से बना। अब लास्ट में थ्री चेन और ये जो तीन चेनों के तीन थर्ड वाली चेन है उसमें स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फर्स्ट वाली हमने स्किप करी। अब देखिए थ्री चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली में भी डबल क्रोशे बनाएंगे, अभी लास्ट वाली भी स्किप करेंगे। अब हमारे पास दो रह गई हैं। अब देखिए यहाँ से थ्री चेन बना के हम दो अपनी मोती अटैच करके यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, इस तरह से राउंड बनाएंगे हम। मैं यहाँ पे मोती अटैच नहीं कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे चार चेन बनाऊँगी और सेम उसी प्रोसेस से जो ये वाले मोतियों के ऊपर जगह है यहाँ पे सिंगल क्रोशे करूँगी। आप यहाँ पे मोती अटैच कीजिए अगर चाहें तो, नहीं तो आप चार चेन बना के भी ये पल्स के ऊपर सिंगल क्रोशे कर सकते हैं। जब आप मोती अटैच करेंगे तो सेम यही प्रोसेस होगा, थ्री चेन और मोती अटैच करेंगे थ्री चेन, जैसे हम शुरू से करते आए हैं। तो इस तरह से फोर चेन बना के आप अटैच कीजिए पूरे राउंड में, तो ये ऐसे बनाते जाएंगे। आप इस वाले राउंड में पर्ल अटैच करना चाहते हैं तो पर्ल भी। अब ये देखिए फोर वाला है तो फर्स्ट स्किप और लास्ट स्किप करेंगे तो दो दो डबल क्रोशे बनेंगे, तो इस तरह से राउंड बनता जाएगा। देखिए ऐसे बनाया। अब लास्ट में ये जो थर्ड चेन है इसमें क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच से हम इसे जोड़ लेंगे ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट में भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। तो हमारे पास अब ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चेन लेंगे। एट चेन लेने के बाद देखिए, अगर आपने इस वाली रो में लास्ट वाली लाइन में मोती ऐड की है तो फिर आप मोतियों में जैसे हम मोती के ऊपर जो लूप होता है उसमें हम सिंगल क्रोशे करते हैं उसी तरह से जोड़ लीजिए, नहीं तो अब यहाँ पे हमारे पास ये है तो हम इसको ऐसे सिंगल क्रोशे से जोड़ लेंगे ऐसे। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चेन बनाई, नेक्स्ट मोती से जोड़ा मोती वाली जगह से इस तरह से। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चेन बनाई नेक्स्ट, फिर एक दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ चेन बनाई नेक्स्ट मोती से इस तरह से, यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चेन बनाई नेक्स्ट, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चेन बनाई। अब आठ चेन बनाने के बाद देखिए, जब हम इस जगह पे आएंगे तो हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये दो डबल क्रोशे के बीच में सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरह, बीच में क्रोशे को डाल के फिर एट चेन बना के, तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे दो सिंगल क्रोशे के बीच में कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह से ये अपना बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये पैटर्न बना। अब लास्ट में इसी वाली जगह पे स्लिप स्टिच करेंगे। अब जो एट चेन है इसमें सिर्फ ये जो चेन वाली ये है स्लिप स्टिच करेंगे फोर चेन्स में, हाफ एट की दो तीन और ये चार, चार चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, हमारा क्रोशे मिड में आ गया इस तरह। अब यहाँ से हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ चेन बनाएंगे नाइन, और नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से नाइन चेन बनाएंगे
9 चेन बनाई, नेक्स्ट वाली लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से हम ये अपना पैटर्न बनाते जाएंगे, इस तरह से झालर बनाते जाएंगे 9 चेन लूप्स के ऊपर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। देखिए इस तरह से बनाया। अब लास्ट में ये जो ये वाली जगह है इसमें क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच करेंगे और चेन बनाते हुए अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। अब देखिए मैंने इस तरह से ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनाया, मैंने इस तरह से ये लगाए हैं टैसल्स लगाए हैं। तो आप भी इस तरह से इन्हें बनाने के लिए ये हाथ को हाथ में इस तरह से लपेटेंगे थ्रेड को, आप कितने भी फोल्ड ले लीजिए। अब कट करेंगे, मैं यहाँ पे आपको ऐसे आप देखिए इसी साइज़ के इस तरह से कट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से इस तरह से। देखिए मैंने चार चार स्ट्रेंस चार चार ये थ्रेड लेके बनाए हैं स्ट्रेंस, इस तरह से कट करके रख लीजिए। अब ये है, इन चारों को हम लगाएंगे एक साथ इस तरह से, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं इससे। देखिए अब इनको ऐसे पकड़ेंगे स्ट्रेंस को। अब ये जो लूप्स में हमने लगाए हैं ये देखिए इस लूप में इस तरह से क्रोशे को डालेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे। आप चाहे तो इससे लंबे भी टैसल्स बना सकते हैं और मैंने चार स्ट्रेंस लिए, आप कम भी आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, हैवी बनाना चाहें तो इससे ज़्यादा स्ट्रेंस भी ले सकते हैं। इस तरह से निकालेंगे और इसको अटैच करेंगे। अब देखिए अभी मैंने इनको बराबर नहीं किया है, आप लास्ट में इसे देखिए सीजर से इन सभी टैसल्स को एक साथ बराबर इसको ऐसे कट कर लीजिए सभी को एक बराबर में, कोई छोटा बड़ा हो जाता है तो जब आप ये सारे अटैच कर लें तो इस तरह से ये हमारा बनेगा। मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।